दोस्तों नमस्कार। बेसिक हेल्थ सॉल्यूशन के अंदर आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम लोग आपकी रोज़मर्रा की और ऐसी हेल्थ जो लाइलाज बीमारियों से रिलेटेड है उसके कुछ सॉल्यूशंस हम आप लोगों को बताते हैं, कुछ घरेलू बातें, कुछ उसके प्रिकॉशंस और कुछ ऐसे फॉर्मूलेशन आपको बताते हैं जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे अस्थमा और साइनस की। अस्थमा पेशेंट आपने देखा होगा, बहुत सारे अपने आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अस्थमेटिक है, जिनको कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसको अपन बोलते हैं कि ये इसको धूल से एलर्जी है, इसको पर्टिकुलर किसी उससे एलर्जी है, किसी को किसी से एलर्जी है। तो ये एक ऐसी एलर्जिक पोजीशन क्रिएट होती है जिससे व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत होती है। मान लो वो कहीं भी ऐसे एटमॉस्फेयर में चला गया तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, वो एक अस्थमा की पोजीशन क्रिएट होती है। उसमें व्यक्ति को अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे मान लो कहीं बहुत ऊंचाई पर चला गया, बहुत ऐसी धूल भरी आंधी आ रही है, धूल भरा ऐसा कोई एटमॉस्फेयर हो रहा है, वहाँ जा गया उसको, तो उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। उसके लिए डॉक्टर प्रोवाइड करवाते हैं कुछ मेडिसिन्स, एलोपैथी के अंदर उसके लिए कुछ मेडिसिन्स अवेलेबल हैं, और एक उनको इनहेलर पंप जो होता है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं ताकि इंस्टेंट वो उसको रिलीफ मिल सके। ऐसी इक्वेशन से भी अगर हम लोग अपने को बचाना चाहे तो बचा सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएँ हैं योगा के अंदर और प्राणायाम के अंदर कि अगर हम लोग करते हैं, जैसे अनुलोम विलोम हो गया, जैसे आपका भ्रामरी हो गया, तो ये कुछ ऐसे ऐसे योगा है, प्राणायाम है, जिनको अगर हम लोग करते हैं तो इससे धीरे धीरे हमें उसके अंदर बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकता है। साथ में आपने देखा होगा कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको साइनस की प्रॉब्लम रहती है, वो इसकी एक दूसरी इक्वेशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके अंदर आपकी साइनस की हड्डी जो है बहुत बारीक सी बढ़ जाती है, जिसके अंदर भी हमें थोड़ी सांस लेने में तकलीफ आती है, या बार बार हमें जो इन्फेक्शन सर्दी जुकाम की ऐसी पोजीशन रह जाती है, बोलने में भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे नेजल जो उसमें होता है ना उस तरीके से बात कर पाते हैं। तो इन दोनों के लिए जो जैसा मैंने आपको बताया कि इनसे अगर हम लोग घर पे प्रैक्टिस करें आपके कुछ ऐसे प्राणायाम और योगा की, तो इनसे हम लोग पार पा सकते हैं, उससे बचा जा सकता है और इससे बाहर भी निकला जा सकता है। बनिस्पत की हम लोग अगर किसी ऐसे मेडिकेशन के ऊपर जाएं जो कि लॉन्ग टर्म तक चलें और जिसके दुष्परिणाम भी हमें देखने को मिल सकते हैं, तो इससे हम लोग बच सकते हैं। और साथ में अगर हम लोग एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर उसको हम लोग यूज करते हैं तो अस्थमा और साइनस से हम लोग बच सकते हैं। बहुत सारे लोगों पे इसका यूज किया गया है, हजारों लोगों ने इसको यूज किया है और उसके परिणाम बहुत अच्छे मिले हैं उनको। संजीवनी के नाम से ये प्रोडक्ट है, dnstore.in पे ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। नेजल ड्रॉप है, बेसिकली नाक में डालने के लिए ये ड्रॉप है। मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर एक एक बूंद आपको एक इच नोस्ट्रिल में आपको यूज करना है। बहुत ही टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट है, इसके अंदर ऐसे हर्बल कंपोनेंट्स डाले गए हैं, नो साइड इफेक्ट्स के साथ में प्रोडक्ट अवेलेबल है। ये बेसिकली आपके जो नस्य चिकित्सा है उसका एक प्रोडक्ट है, पंचगव्य बेस है। ये गाय के जो पांच उत्पाद होते हैं उससे बेस्ड और कुछ चीज़ें इसके अंदर और प्रोसेस करके प्लान की गई है संजीवनी के नाम से। ये आपको dnstore.in पे अवेलेबल होगा। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, सैकड़ों लोगों ने इसको यूज किया है, लोगों के कुछ समय बाद में पंप भी छूटे हैं और ये साइनस की जो पोजीशन है उससे भी लोग बाहर निकल के आए हैं। तो उस प्रोडक्ट को आप यूज करें और मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर यूज करना है, एक डेढ़ महीने दो महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स के मिल सकते हैं। लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसी तरह से और नई नई जानकारी जो हेल्थ से रिलेटेड है उससे उसको जानने के लिए आप इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।